नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी का ढोकला बनाने वाले हैं। ये ढोकला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में भी आसान, कम समय में बनकर के ये तैयार हो जाता है। तो जब कभी आपको हल्की फुल्की भूख हो तो आप इस तरह से ढोकला बना करके खा सकते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम ढोकला बनाएंगे तो हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1¼ कप सूजी ली है, जिसे कि रवा भी कहते हैं, और ये बारीक वाली सूजी है। इसे हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 गिलास छाछ ली है। आप छाछ की जगह यहाँ पर 1¼ कप दही ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके छाछ मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास छाछ डाल करके और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढक करके रख देते हैं करीब 10 मिनट के लिए। करीब 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है। हमने इसमें जो छाछ डाली थी, सूजी ने अच्छे से सोख ली है और देखिए घोल इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला लेंगे। एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, वरना घोल पतला हो सकता है। तो आप देखिए हमने इस तरह का घोल बना लिया है। हम इससे ज़्यादा पतला घोल नहीं रखेंगे और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। इसके लिए हमें लगभग 1/2 गिलास पानी की ज़रूरत लगी, यानी कि 1 गिलास छाछ और 1/2 गिलास हमने इसमें पानी मिलाया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें लगभग 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। लगभग 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम तेल डालेंगे। तेल डालने से जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। ध्यान रहे हल्दी पाउडर हम कम ही डालेंगे। यदि हल्दी पाउडर इसमें ज़्यादा हो जाता है तो ढोकला लाल पड़ जाता है। इससे पहले मैंने बेसन का ढोकला बनाया था, उसमें कई हमारे दोस्तों की शिकायत रही कि उनका ढोकला लाल हो गया है। तो इसका कारण यही है, क्योंकि उनके बैटर में हल्दी ज़्यादा हो जाती है और यदि हल्दी ज़्यादा हो जाएगी तो ढोकला लाल पड़ जाएगा। तो पहले हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, जिसे कि हम मीठा सोडा भी कहते हैं, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे एक तरफ ही घुमाते हुए मिलाएंगे। तो बस अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। देखिए घोल अच्छे से फूल चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक थाली ली है और थाली पे थोड़ा सा तेल लगा करके और चारों तरफ इसे फैला लेंगे और ये घोल इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से थाली में हमने ये घोल सारा डाल दिया है। और इधर गैस पर हमने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसमें एक स्टैंड रख दिया था। तो अब हम ये थाली इसमें रख देंगे और इसे ढक करके लगभग 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। करीब 20 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए ढोकला अच्छे से फूल चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं चाकू लगा करके। देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है कहीं से भी। इसका मतलब हमारा ढोकला बहुत अच्छे से पक चुका है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। ढोकला अभी थोड़ा गर्म है तो हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। करीब 5 मिनट हो गए हैं और ढोकला हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो हमने ढोकले को कट कर लिया है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए तड़का पैन लेंगे और उसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच हम तेल डाल देंगे। आप तेल अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गर्म होने पर हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच राई डाल देंगे। राई तड़कने लगी है तो इसके बाद हम 8-10 करी पत्ता और 2 हरी मिर्ची, जिसको मैंने इस तरह से काट रखा है, डालेंगे। इस समय आंच को बिल्कुल धीमी रखेंगे। हरी मिर्ची हल्की सी फ्राई होने लगी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारी मिर्ची नमकीन हो जाएगी। और मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ, इससे ढोकले का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे पानी
लगभग आधा गिलास, और 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 नींबू का रस, जिसको मैंने पहले ही निकाल के रखा था, ये डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट खट्टा मीठा आएगा। मिला लेंगे इसे और पानी को उबलने देंगे। देखिए पानी उबलने लगा है, तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और ये तड़के का पानी हम इस ढोकले में डाल देंगे। हम बेसन का ढोकला बनाते हैं उसमें हम थोड़ा पानी ज़्यादा रखते हैं, लेकिन इसमें हम पानी कम ही रखेंगे, वरना हमारा जो ढोकला है वो गीला हो जाएगा। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ढोकला। अब हम एक एक करके पीस इसमें निकाल लेंगे। और इसे एक प्लेट में रख देंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए हमारा सूजी का ढोकला बन करके तैयार है, और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और उतना ही ये फुला फुला भी बना है। देखिए कितना फुला फुला बना है ये, और कितना स्पंजी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप बैटर में हल्दी ज़्यादा न डालें, वरना इसका कलर लाल पड़ सकता है। यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।